13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। क्या आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब अलग वतन का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब था एक अलग वतन जिसमें मुसलमान आज़ादी से सांस ले सकें, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें। और कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभर कर सामने आया। उस कुर्बानी के लिए, उस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। और आज 76 साल बाद पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान क्या वाकई आज़ाद है? पाकिस्तान आज़ाद मुल्क ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी एक मुआशी चंगल में फंसा हुआ है। आइए इस 14 अगस्त पर अहम करते हैं कि हमने आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट मुल्क, आज़ाद मुल्क बनाना है। क्योंकि 25 करोड़ लोग जिस मुल्क में हों और उन लोगों का ईमान, दीन, तकवा और यकजहती के साथ एक मुल्क की कामयाबी के लिए काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया की कोई ताकत उसको नाकाम कर सकती है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।